Dear students, welcome to the e-learning classes of class 12. Today we are going to study the first poem in English poetry. आज हम अंग्रेजी काव्य में पहली कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं. The name of the first poem is Character of a Happy Life. पहली कविता का नाम है Character of a Happy Life. Character means चरित्र. Of का ए एक हैप्पी सुखमय लाइफ जीवन एक सुखमय जीवन का चरित्र. ये पहली कविता है कोर्स की. ये पोइम दिस पोइम हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वूटन. ये कविता सर हेनरी वूटन के द्वारा रचना की गई है लिखी गई है. सर हेनरी वूटन वाज एन इंग्लिश पोएट. सर हेनरी वूटन एक अंग्रेज कवि थे ऑफ 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के. कौन सी शताब्दी के? 17वीं शताब्दी के. वो कहां पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न. उनका जन्म हुआ था इन कैंट. कैंट में इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में है. और कौन सी सन में हुआ था? इन 1568 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था. कहां हुआ था? कैंट में. और कैंट कहां है? इंग्लैंड. ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर. उनको शिक्षा प्रदान की गई थी विंचेस्टर में एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड. और ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज में और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के क्वीन कॉलेज में उन्हें शिक्षित किया गया था. करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज वन ऑफ हिज बेस्ट पोइम्स. करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उनकी सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से कविता है. दिस पोइम इज हिज डायडेक्टिक पोइम. ये कविता उनकी उपदेशात्मक कविता है या शिक्षात्मक कविता. उपदेशात्मक नहीं, उपदेश देने वाली, शिक्षा प्रदान करने वाली कविता है. आइए इस कविता के सारांश के बारे में भी थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी में समझ लें तो कि इसमें है क्या इस पोइम में. करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए डायडेक्टिक पोइम. करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सुखमय जीवन का चरित्र एक उपदेशात्मक कविता है. इट पॉइंट्स आउट, ये प्रकट करती है, बतलाती है दी क्वालिटीज, गुणों को ऑफ ए हैप्पी मैन, एक सुखमय व्यक्ति के. ये सुखमय व्यक्ति के गुणों को प्रदान करती है, प्रकट करती है. उसके अंदर क्या क्या गुण है? ए रियली हैप्पी मैन, ए ट्रूली हैप्पी मैन, ए सच्चा सुखमय व्यक्ति. उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए उनको हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है इस कविता में. ए रियली हैप्पी मैन इज होली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. वो दूसरों से स्वतंत्र रहता है, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है. वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, स्वतंत्र रहता है. ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार होता है. ही इज ट्रूथफुल, वो सच्चा होता है. ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, वो अपने जज्बातों का, अपनी भावनाओं का मालिक होता है. यानी कि वो अपनी इच्छाओं के वश में नहीं होता है, इच्छाएं उसके वश में होती है. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से नहीं डरता, उसे मौत का भय नहीं होता. ही डज नॉट वरी अबाउट द रूमर्स, वो कभी चिंता नहीं करता है, वो चिंतित नहीं होता है अफवाहों के, झूठे समाचारों के बारे में. ही डज नॉट वरी अबाउट द क्रिटिसिज्म, वो कभी चिंता नहीं करता, वो चिंतित नहीं होता है आलोचना के बारे में. ही ऑलवेज फॉलोज हिज कॉन्शियंस, वो हमेशा अनुसरण करता है अंतःकरण का, अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करता है. वो सदैव अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार काम करता है. ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित नहीं होता है बाय द फ्लैटरर्स, चापलूसों के द्वारा, और ऑपरेशंस अथवा अत्याचारियों के द्वारा. ए हैप्पी मैन नेवर फील्स जेलस ऑफ दोज, एक सुखमय व्यक्ति कभी ईर्ष्यालु महसूस नहीं करता है उन लोगों से हु राइज, जो ऊंचा स्थान पा लेते हैं इन देयर लाइव्स, अपने जीवनों में, आइदर बाय चांस, अथवा अवसर पाकर, और बाय अनफेयर मींस, अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करके. जो लोग ऊंचा स्थान पा लेते हैं कभी भी ऊंचा स्थान पाने वाले व्यक्तियों से हैप्पी मैन ईर्ष्या नहीं करता है. ए हैप्पी मैन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति स्पष्टवादी होता है. इन हिज डीलिंग्स, अपने व्यवहार में. एंड ही इज ए गॉड फियरिंग मैन, वो एक ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि उसे ईश्वर का भय रहता है. जिसे ईश्वर का भय होता है वो फिर दुनिया के किसी आदमी से नहीं डरता है. ए हैप्पी मैन प्रेस टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है उसकी कृपा पाने के लिए, उससे
अच्छी चीजें हासिल करने की है। ही स्पेंड हिज टाइम इन द कंपनी, वो अपना समय व्यतीत करता है संगति में, ऑफ ए गुड फ्रेंड, एक अच्छे मित्र की, और विद ए गुड बुक अथवा एक अच्छी पुस्तक की। वो एक अच्छे मित्र अथवा एक अच्छी पुस्तक की संगति में अपना समय व्यतीत करता है, अपने समय को बर्बाद नहीं करता। ही डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल इन लाइफ, वह अपने जीवन में उत्थान और पतन की भी चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट पजेस वर्ल्डली थिंग्स, वो नहीं रखता है संसारिक चीजें, लेकिन बट ही इज रिच इन द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, वो धनी होता है मस्तिष्क और मन के गुणों में, यानी कि मस्तिष्क और मन के गुणों से वो धनी होता है। पास कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द पोएम। आइए हम शुरू करते हैं कविता को, पोएम को, उसके फर्स्ट स्टैंजा का हमें अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए पहले पोइम का नाम की स्पेलिंग देखिए, करेक्टर, CHARACTER, करेक्टर चरित्र, ऑफ का ए हैप्पी लाइफ, एक सुखमय जीवन, एक आनंदमय जीवन का चरित्र। ये पोइम कंपोज की गई है सर हेनरी वुटन के द्वारा, सर हेनरी वुटन के द्वारा इस पोइम की रचना की गई है। पहला स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम हमारे सामने है। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज ही बॉर्न और टॉट, है वो जन्मा या पैदा हुआ, और टाट अथवा उसे सिखाया गया। कितना प्रसन्न वो पैदा हुआ है अथवा उसे प्रसन्न रहना सिखाया गया, टाट मानी सिखाया गया। दैट सर्वेथ नॉट, जो सेवा नहीं करता, सर्वेथ ही सेवा करना, नॉट मीन्स नहीं, अनादर्श किसी दूसरे की, विल मीन्स इच्छा, वह सेवा नहीं करता है किसी दूसरे की इच्छा की, अर्थात वो किसी दूसरे के इशारों पर काम नहीं करता है, वो किसी कहने पर काम नहीं करता है। Whose armor, जिसका सुरक्षा कवच, is his honest thought, उसका ईमानदारी का विचार है, यानी कि ईमानदार व्यक्ति है वो, यानी कि उसका सुरक्षा का, उसका बचाव का जो हथियार है, आर्मर जो है, वो उसका ईमानदारी का विचार है। देखिए हैप्पी मैन बनने के लिए या तो आदमी जन्म से ही हैप्पी होता है, या वो उन गुणों को सीखता है जिनसे उसका जीवन सुखमय जीवन बन जाता है, या वो सुखमय व्यक्ति बन जाता है। वो गुण पहला कौन सा है? सेवा ना करो किसी दूसरे के कहने पर, किसी दूसरे के इशारों पर काम नहीं करना चाहिए, और उसे ईमानदारी से रहना चाहिए, यानी कि ईमानदार होना चाहिए। एंड सिंपल ट्रुथ, और सीधा साधा सच, इज हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सर्वाधिक गुण होता है, हुनर होता है, कौशल होता है, यानी कि सच्चा सुखमय व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसा हुनर, एक ऐसा कौशल रखता है जो कि सच्चाई वाला कौशल होता है, यानी कि लोगों से वो सच के साथ व्यवहार करता है, यानी कि जो सच्चा होगा वो ईमानदार होगा, और जो ईमानदार होगा वो सच्चा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। स्टैंजा नंबर टू, हूज पेशेंस नॉट हिज मास्टर सार, जिसकी भावनाएं, तीव्र भावनाएं, जिसके जज्बात, हुजमानी, जिसके भावनाएं जज्बात, एक हैप्पी मैन बनने के लिए अपने जज्बातों पर उसे नियंत्रण करना चाहिए। Whose passions, जिसकी भावनाएं, not his master sir, उसकी मालिक नहीं है, यानी कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, वो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखता है, अपने कमांड में रखता है। Whose soul, जिसकी आत्मा, is still prepared for death, soul means आत्मा, still वाणी सदैव, prepared means तैयार, डेथ मृत्यु, जिसकी आत्मा सदैव है तैयार मृत्यु के लिए, यानी कि वो कभी मौत से डरता नहीं है। अनटाइड, आजाद है, स्वतंत्र है, मुक्त है, अनटू दी वर्ल्ड, संसार तक से व्यक्ति, और चिंता वाले, वो चिंता वाले, यानी कि वो कभी चिंता नहीं करता है, वो जानता है चिंता चिता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हमें हैप्पी मैन बनना है तो अपने जज्बातों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी आत्मा को कभी भी मौत से डरने नहीं देना चाहिए, हमेशा मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और संसार चिंताओं को भी हमें रखना नहीं चाहिए। ऑफ पृथ्वी लव, चिंता काहे की, उच्च वर्ग के प्रेम की या संपर्क की, यानी कि लोग ये क्या सोचते हैं कि हम ऊंचे लोगों के साथ रहेंगे, संगति में रहेंगे तो लोग हमें ऊंचा समझेंगे, उसे इस बात की भी परवाह नहीं है। वो जिस जगह है, जहां है, वो अपनी जगह, अपने स्थान को उचित समझता है, यानी कि वो जानता है कि अगर वो दीपक है तो उसे सूरज की संगति में रहने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, और वल्गर ब्रेथ, और इस बात की भी चिंता नहीं करता है, वल्गर मीन्स असभ्य लोग, ब्रेथ मानी आलोचना, असभ्य लोगों की आलोचना की वो चिंता नहीं करता है, यानी कि वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता है कि ऊंचे लोगों की संगति में रहे, और
लोग उसकी आलोचना करते हैं, इस बात की भी वो चिंता नहीं करता। वो जानता है कि चिंता इंसान के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम। आइए हम देखते हैं कविता का तीसरा स्टैंडर्ड, उसमें हमें हैप्पी मैन बनने के क्या क्या गुण सीखने चाहिए। हैप्पी मैन बनने के लिए क्या होता है? हु है, जो रखता है। कौन रखता है? हैप्पी मैन रखता है, जो रखता है। हैज का मतलब हैज, रखना। हिज लाइफ, अपने जीवन को फ्रॉम र्यूमर्स, अफवाहों से, फ्रीड मीन्स आजाद, स्वतंत्र। यानी कि हैप्पी मैन बनना है तो अपने जीवन को अफवाहों से आजाद रखना है, झूठी खबरों से मुक्त रखना है। हमें झूठी खबरों में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच का पता करना चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। हूज कॉन्शियस, जिसका अंतःकरण, जिसकी अंतरात्मा, जिसका जमीर, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, है उसकी शक्तिशाली शरण। यानी कि अपने जमीर की शरण में रहता है, वो पनाह में रहता है, वो अपने जमीर के कहने पर काम करता है। यानी कि जो अंतरात्मा उसकी है, जिस काम को उसको करने की अनुमति प्रदान करती है, वो उसी को करता है। वो अंतरात्मा के विरोध में कोई काम नहीं करता है। हैप्पी मैन बनना है तो इंसान को अपने जमीर के, अपनी अंतरात्मा के कहे अनुसार काम करना चाहिए। कॉन्शियस का मतलब अंतःकरण। हूज स्टेट, जिसकी अवस्था को, जिसकी स्थिति को, काइंड नाइदर फ्लैटर्ड फील, ना तो चापलूस, चापलूस झूठी तारीफ करने वाले। आप हैं तो दीपक, और क्या कहेंगे अपने मकसद को हल करने के लिए कि आप सूरज हैं। हैप्पी मैन इसी बातों में मूर्ख नहीं बनता है। हूज स्टेट, जिसकी स्थिति को, काइंड नाइदर फ्लैटर्ड फील, ना तो चापलूस चापलूसी से भर सकते हैं, नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। यहां आर यू आई एन रुइन, रेन नहीं है, रुइन नहीं, मिसप्रिंट है। नॉर, ना तो रुइन, हानि, विनाश में पहुंचा सकते हैं ऑपरेशंस, अत्याचारी लोग, ग्रेट मानी महान, ग्रेट मीन्स महान, ना तो उसे कोई विरोधी अत्याचारी लोग महान हानि पहुंचा सकते हैं। यानी कि हैप्पी मैन किसी के चापलूसी में मूर्ख नहीं बनता है, और मूर्ख बनकर गलत काम नहीं करता है, इसलिए उसके विरोधी भी उसे कोई मान हानि नहीं पहुंचा सकते। यानी कि हमें कभी भी अपने की, अपने कोई भी हमारी कोई झूठी तारीफ कर रहा है, सराहना कर रहा है, हमारी चापलूसी कर रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये अपना कोई मकसद हल करने आया है। तो हमें ऐसे चापलूसी में आकर कोई अपने अधिकार से बाहर की बात, काम को करना नहीं चाहिए। हमें किसी की चापलूसी में आना नहीं चाहिए। ये आपके तीन स्टैंजे कंप्लीट हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टॉप। वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस ऑफ क्लास 12। अभी आप तीन स्टैंजे समझ चुके हैं, इनको आपको हिंदी में समझाया जा चुका है। अब आप स्टैंजा नंबर 4, चौथा स्टैंजा का अध्ययन करने जाने से क्वेम का करेक्टर ऑफ एपी लाइफ की देखिए क्या दिया हुआ है। हु एनवीज नन, जो ईर्ष्या, अगर हम हैप्पी मैन बनना है तो सबसे पहले अब चौथे स्टैंजा में ही पढ़ रहे हैं। हु एनवीज नन, जो ईर्ष्या नहीं करता है। एनवीज की जगह यहां ज्यादा बेटर होता जेलस, जेलस। हु एनवीज नन, जो ईर्ष्या करता है, नन किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हूं जिसको चांस दत रहे, चांस अवसर, मौका, दत अवश्य, दस एम्फेसिस के लिए है, अवश्य, रेज मानी ऊंचा उठा देना, जिसको अवसर ऊंचा उठा देता है। यानी कि जो व्यक्ति अवसर पाकर ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति से हैप्पी मैन कभी ईर्ष्या नहीं करता। Who nor vice, who never understood, ना तो वाइस मानी अवगुण या दोष, ना तो वो किसी अवगुण या दोष को, who मानी जो never understood, जो कभी नहीं समझ पाया। यानी कि हैप्पी मैन हमेशा अपने आप को कैसे दूर रखा, अवगुण से, बुराई से, दोष से, यानी कि उसने अवगुणों को ग्रहण नहीं किया। How he pays wounds are given with praise, हैप्पी मैन जानता है कि जो लोग मुख पर प्रशंसा करते जाते हैं, वो साथ में जख्म भी देते जाते हैं, घाव भी देते जाते हैं। यानी कि मुख पर प्रशंसा करेंगे और जब उनका मकसद हल हो जाएगा तो वो पीठ पीछे आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। और डिपेस वुंड्स, और डिपेस मानी सबसे गहरे, वुंड्स मीन घाव, सबसे गहरे घाव दिए जाते हैं, दिए जाते हैं विपरीत प्रशंसा के साथ में। लोग तारीफ करते जाते हैं, अपना मकसद हल करते जाते हैं, और साथ ही साथ पीठ में खंजर भी घोंपते जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना तो, यानी के हैप्पी मैन ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहता है, ना रूल्स ऑफ स्टेट,
वो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। बट लेकिन रूल्स अच्छा नियमों का और गुड अच्छाई भलाई के, यानी कि हैप्पी मैन राज्य के उन नियमों का पालन नहीं करता है जो मानवता के हित में नहीं है। हैप्पी मैन बनने के लिए इंसान को, मानव को उन नियमों का पालन करना चाहिए जो अच्छाई के नियम होते हैं, यानी कि अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, उन नियमों को अपनाना चाहिए जो अच्छाई के। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 5 हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सच्चा सुखमय व्यक्ति बनने के लिए सच्चा धार्मिक व्यक्ति बनने पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि अगर हम सच्चा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें सच्चा धार्मिक भी बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब जो है इंसान को शैतान बनना नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत का रास्ता दिखाता है, अच्छा रास्ता है। कोई भी मजहब ले लीजिए और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ, और हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से सुबह शाम प्रार्थना करना चाहिए मानवता के हित के लिए, सुख के लिए। हू मानी जो हैप्पी मैन बन, कौन कौन हैप्पी मैन, जो गॉड ईश्वर से दत्त अवश्य लेट देर शाम तक एंड अर्ली और शीघ्र प्रातः प्रेम प्रार्थना करता है। हैप्पी मैन देर शाम तक शीघ्र सुबह से ईश्वर की प्रार्थना करता है, यानी कि वो इस बात की प्रार्थना करता है कि ईश्वर ने उसके साथ कितना उपकार किया है, उसके लिए वो उसको प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके उपकार से अधिक, यानी कि ईश्वर ने जो कुछ उसके साथ कृपा की उपकार किया उससे भी अधिक वो हैप्पी मैन ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लैंड, वही बात आ गई, दिए अपेक्षा में उन उपहारों के टू लैंड जो उसे उधार दी है, खुदा ने हमें सारी चीजें जो दी है वो उधार दी, उन दी गई चीजों के लिए वो ईश्वर से सुबह और शाम उसके कृपा की उसकी प्रार्थना की लिए सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। Who entertains, जो आनंद लेता है, entertains means आनंद लेना, the harmless day, हानि रहित दिन का। Happy man बनना है तो अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए, काहे के साथ with a well chosen book, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ और फ्रेंड अथवा एक अच्छे चुने हुए दोस्त के साथ, यानी कि आपका समय काहे के साथ व्यतीत होना चाहिए, आपका समय एक पुस्तक के साथ व्यतीत होना चाहिए और या फिर एक अच्छे दोस्त के साथ व्यतीत होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पास करो लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, इसके बाद स्टैंजे के बाद इसमें क्या क्या सवाल आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा और उनका आप अभ्यास करेंगे, अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। दिस मैन, अब ले आखिरी स्टैंजा है, दिस मैन ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, हैप्पी मैन सच्चा सुपर व्यक्ति, दिस फ्री स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, गुलामी के बंधनों से, दास्ता के बंधनों से, यानी कि हैप्पी मैन बनना है तो अपने आप को मुक्त रखना है उन बंधनों से जो ऑफ होप टू राइज, जो आशा के, गलत आशा के बंधन है टू राइज, आगे बढ़ने की। हैप्पी मैन कभी भी आगे बढ़ने की गलत आशा के बंधन में नहीं रहता है, और फियर टू फॉल, और वो भय के भी बंधन में नहीं रहता है कि वो नीचे गिर जाएगा, उसे ना तो गलत तरीके से आगे बढ़ने की आशा के बंधन जकड़ सकता है और ना ही उसे गिरने का भय अपने बंधन में जकड़ सकता है, यानी कि वो स्वतंत्र रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का वो मालिक है, स्वामी है, दो नॉट ऑफ लैंड, यदि भी उसके पास जमीने नहीं है, भूमिया नहीं है, सांसारिक संपत्ति नहीं है, यानी कि वो गुणों का मालिक है, भले ही उसके पास गुणों से अमीर है, गुणों का जमींदार है, भले ही उसके पास सांसारिक संपत्ति अमीर, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना रखते हुए ही है काल, उसके पास सब कुछ है, भले ही उसके पास कुछ नहीं है, यानी कि सोना चांदी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है, पास कर देना सब कुछ, नेशन और सेंट्रलाइट ये सब जाने जाने, ठीक है, पास कर देना। अब ये आए बात, डियर स्टूडेंट्स, पोइम में से एक्सप्रेशन लिखने को आएगा, दो स्टैंजे दिए होंगे, उन दो स्टैंजाज में से एक स्टैंजे का एक्सप्रेशन आपको लिखने का होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा जिसके 8 मार्क्स होंगे, और इसका सवाल इस तरह का, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट प्रसंग एवं संदर्भ सहित एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास, निम्न पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के, दो दिए होंगे उनमें से किसी एक की व्याख्या करना। अब उदाहरण के तौर पर आपका पहला स्टैंजा दिया हो तो आप पूरा स्टैंजा अपनी आंसर बुक में नहीं उठाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका हिंट लिखेंगे हाउ .. स्किल, यानी कि संकेत, हिंट में, संकेत में आप उस स्टैंज का पहला शब्द और आखिरी शब्द लिखते हैं,
फिर उसके बाद रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन या दिस स्टैंजा हैज बीन। रेफरेंस यानी कि पोइम के बारे में जानकारी कि स्टैंजा जो है किस पोइम से है और उसका पॉइंट कौन। दीज लाइंस हैव बीन टेकन लिखें या दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम दी पोइम कविता से। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखमय जीवन का चरित्र, पोइम का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनेगा और रेफरेंस भी हेडिंग जो है वो ब्लैक पेन से लिखा जाएगा बोल्ड लेटर्स में, और करेक्टर ऑफ ए लाइफ यानी पोइम का नाम भी बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। कंपोज बाय, जो रचना की गई है सर हेनरी वुडन के द्वारा, इसके द्वारा सर है, इसमें पोइम का नाम और पोइट का नाम वर्णन किया जाता है। उसके बाद कॉन्टेस्ट लिखा जाता है, कॉन्टेस्ट में उस पोइम का मेन थॉट लिखा जाता है। हेयर दी पोइट डिफाइंस या हेयर दी पोइट इलस्ट्रेट, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग है COINTEXT। हेयर दी पोइट डिफाइंस सम ऑफ दी क्वालिटीज, कुछ गुणों का वर्णन करता है कवि यहाँ पर ऑफ ए हैप्पी मैन, किसके सुखमय व्यक्ति, यहाँ कवि सुखमय व्यक्ति के कुछ गुणों का वर्णन परिभाषित करता है। एक्सप्रेशन में लिखेंगे व्याख्या में ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति, इसका देखिए कितना अच्छा वर्णन, इसको सरल शब्द अपनी भाषा में लिखना है, ए ट्रूली हैप्पी मैन इज, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति इज आइदर ए बॉर्न हैप्पी मैन, या तो वो जन्म से सुखमय व्यक्ति होता है और ही हैज बीन टॉट अथवा उसे सिखाया गया होता है दी क्वालिटीज गुणों को ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखमय जीवन के, या तो वो जन्म से सुखमय व्यक्ति होता है या उसे सुखमय जीवन व्यतीत करने के गुणों को सिखाया जाता है। ही नेवर एक्ट्स, वो कभी काम नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द विल, इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मानी के अनुसार, वो कभी इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के, ऑफ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कभी काम नहीं करता है, यानी कि वो दूसरे कहने पर नहीं चलता है। ही इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक, वो स्वतंत्र होता है वो सब करने के लिए जो वो करना चाहता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता। ही लीड्स, वे व्यतीत करता है एन ऑनेस्ट लाइफ, एक सच्चा ईमानदार जीवन। हिज ग्रेटेस्ट आर्मर, उसका सबसे बड़ा कवच, सुरक्षा का हथियार, फॉर हिज सेफ्टी, उसकी सुरक्षा के लिए, इज ऑनेस्टी, ईमानदारी है उसकी, ईमानदारी यानी कि ईमानदारी उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज ट्रूथफुलनेस, उसका महानता गुण उसकी सच्चाई है। अब इसमें हमने कमेंट्स लिखना चाहे लिख सकते हैं कि इसमें हमें एक जगह मेटाफर दिखाई देता है, रूपक दिखाई देता है, यहाँ पर आर्मर में यहाँ रूपक है, तो हम उसको लिख सकते हैं दी पोइट कवि ने हैज एक्चुअली यूज्ड, प्रयोग किया है मेटाफर को, रूपक को, फिगर ऑफ स्पीच, भाषा अलंकार को, इन दिस स्टाइल, इस पद्यांश में, यहाँ कवि ने इस पद्यांश में रूपक अलंकार को प्रयोग किया है। दैट्स ऑल, आज इतना ही काफी है, बाकी कल। फ्रेंड्स, आज एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जब आप ई लर्निंग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको अपने मोबाइल फोन को किस अवस्था में रखना चाहिए, किस पोजीशन में रखना चाहिए, आप जरा सा ध्यान दें। मोबाइल को आप इस पोजीशन में रखिए, अपने इस तरह ऐसे ना रखकर इस अवस्था में रखिए मोबाइल, और साथ में हेडफोन का भी इस्तेमाल करिए। हेडफोन लगाने से जो भी वीडियो की आवाज है, साउंड है, वो स्पष्ट आपके कानों तक आएगी और दूसरे को भी कोई परेशानी नहीं होगी जो आपके आसपास बैठे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप वीडियो क्लिप्स को ध्यान से वाच कीजिए, देखिए, पढ़िए और अपने आप को, अपने पोएम्स को, अपने लेसन्स को अच्छा बनाइए और अच्छे अंक हासिल कीजिए। आज नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझने, कल आपको मैंने पहला स्टैंजा एक्सप्लेन कर दिया था कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, इस पोइम को सिर्फ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ, सारे एक्सप्रेशन लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन। आज जो इसका दूसरा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है वो हुज पेशेंस से है, उस स्टैंजे को मैं आज आपको कैसे उसको लिखना है वो समझाने जा रहा हूँ, पास कर दो जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्टैंजा नंबर टू, उसका भी एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने को आता है तो आप क्या करेंगे, उस स्टेंजे का हिंट लिखेंगे, हिंट, पूरा स्टेंजा नहीं उतारा जाएगा आंसर बुक में, whose और उसका लास्ट वर्ड स्टेंजे का लिखा जाएगा breath, breath, जो भी स्टेंजा होगा उसको पूरा ना उतार कर उसका सिर्फ हिंट लिखना है आपको, ओके, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड इस हिंट में, HINT, हिंट हेडिंग डालना पड़ेगा आपको, हिंट शब्द HINT,
संकेत। फिर उसके बाद इसी स्ट्रेंथ को पहचान कर इसका हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस बिल्कुल सही होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको मालूम है ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके 8 मार्क्स हैं, एक स्ट्रेंथ का एक्सप्लेन करने के 8 मार्क्स। रेफरेंस प्रसंग आर ई एफ ई आर ई एन सी, इसका भी स्पेलिंग सही होना चाहिए, इसे ब्लैक पेन से बोल्ड लेटर्स में मोटे लेटर्स में लिखना है। इसमें लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कल मैंने आपको बताया था दिस पैसेज हैज बीन लिख सकते हैं या दीज लाइन्स हैव बीन लिख सकते हैं, ये सबसे सरल और अच्छा तरीका है। दीज लाइन्स वाला दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम दी पोइम, पोइम से कविता से जिसका नाम कामास के अंदर बोल्ड लेटर्स में ब्लैक हेडिंग पेन से लिखना होगा। करेक्टर ऑफ ए हेडलाइन, जो भी पोइम का नाम लिखेंगे उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, करेक्टर का सी कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल, ए कैपिटल, हैप्पी का एच कैपिटल और लाइफ का एल कैपिटल। कंपोज्ड बाय, रचना की गई है द्वारा सर हेनरी वुडन के, हेनरी वुडन का भी नाम आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, इसके भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनना है, हेनरी का एच कैपिटल और वुडन का डब्ल्यू कैपिटल। इस प्रकार आपको फ्रॉम दी पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वुडन। कॉन्टेस्ट का जैसे मैंने आपको बताया था कल वाला ही कॉन्टेस्ट फिर काम कर जाएगा आपका। हियर दी पोएट डिफाइंस, यहाँ कवि परिभाषित करता है, डिफाइंस भी परिभाषित करना, सम ऑफ दी क्वालिटी गुणों में से कुछ गुणों को ऑफ ए हैप्पी मैन, एक सुखमय व्यक्ति। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप, व्याख्या करेंगे, ये कॉन्टेस्ट भी ब्लैक पेन से और एक्सप्लेनेशन हेडिंग भी ब्लैक, इसके स्पेलिंग ध्यान से देखिए ई एक्स पी एल ए एन ए डी आई ओ एन। दी पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दी पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति इज फ्री, मुक्त होता है, आजाद होता है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ स्लेविश बॉन्ड, सभी प्रकार के गुलामी के बंधनों से, स्लेविश मानी गुलामी के, बॉन्ड्स मीन बंधन, सभी प्रकार के गुलामी के बंधनों से, यानी कि वो इच्छाओं के बंधनों से ही मुक्त है, इच्छाएं उसे अपने वश में नहीं कर सकती, वो इच्छाओं को अपने वश में रखता है। ही कमांड्स हिज पैशंस, वो नियंत्रण में रखता है, कमांड्स नियंत्रण में रखता है हिज पैशंस, अपनी तीव्र भावनाओं को और स्ट्रांग फीलिंग अथवा प्रबल भावनाओं को, सच एज जेलसी, जैसे ईर्ष्या, एंगर, क्रोध, लव, प्रेम एंड हेट्रेड और घृणा, ये जो स्ट्रांग फीलिंग्स हैं इनको भी अपने कंट्रोल में रखता है। ही इज नेवर अफ्रेड, वो कभी नहीं डरता है, कभी मौत से डरा हुआ नहीं रहता है, कहते डेथ मौत से, यानी कि वो निडर है, मौत का भी उसे खौफ नहीं है, एंड रेडी और तैयार रहता है टू फेस इट, मौत का सामना करने के लिए एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। ही नेवर विशेष, वो कभी इच्छा नहीं करता है टू एंजॉय द कंपनी, संगति का आनंद लेने के लिए ऑफ ग्रांड एंड माइटी पीपल, ग्रांड बड़े बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, उनकी संगति में रहने का भी उसे कोई आनंद नहीं देता, वो यानी उस चीज को अपने आप में उससे सबसे दूर रहता है, वो अपने आप को हमेशा ये समझता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनके साथ रहने में मेरा खुद का अस्तित्व नष्ट हो जाए। ठीक है, ओके। ही नेवर केयर्स, आगे हम देख रहे हैं, देखिए ही नेवर केयर्स, वो कभी चिंता नहीं करता है फॉर द क्रिटिसिज्म, आलोचना की, आप कितना भी अच्छा काम करें, कुछ लोगों का काम क्या है, आपके किए गए कार्य की आलोचना करना, वो काम खुद नहीं करेंगे बल्कि आप जो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं उसकी वो आलोचना कर देंगे। मेड बाय अनसिविलाइज, जो की गई होती है असभ्य लोगों के द्वारा, यानी कि जो काम नहीं करना जानते हैं वो आपकी आलोचना करते हैं, और रूड पीपल अथवा असभ्य लोग जो होते हैं वो आप, रूड मानी असभ्य, अनसिविलाइज मीन्स असभ्य, कोई एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, असभ्य लोगों के द्वारा की गई आलोचना की नहीं करता, वो सिर्फ जानता है कि अच्छा काम क्या है, उस काम को करने में वो विश्वास करता है, उसको वो करता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, सारे स्टेंजा डिस्कस नहीं करके। हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर स्ट्रीम, जो रखता है, ये एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका आपको समझाया जा रहा है, हु हैज जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को फ्रॉम ह्यूमर स्ट्रीम, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका हेड लिखने पहले हु डॉट 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 ग्रेट, अभी आप पहले भी लिख चुके हैं, प्रेफरेंस लिखने का तरीका भी आप समझ चुके हैं, कॉन्टेस्ट लिखने का भी आप तरीका समझ चुके हैं, वही पिछला कॉन्टेस्ट इसमें भी यूज हो रहा है, वही सेम विचार है। एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे इसका लिखना है, ये अब आपको और करना है, हिट रेफरेंस कॉन्टेस्ट उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन।
ही ट्रूली हैप्पी मैन इज सच्चा सुख में देखती इज फ्री फ्रॉम ह्यूमर्स अफवाहों से मुक्त रहता है। कैसे मुक्त है? अफवाह यानी कि निराधार समाचारों से मुक्त रहता है। ही नेवर बिलीव्स, वो कभी विश्वास नहीं करता है इन र्यूमर्स झूठे समाचारों में। ही ऑलवेज रिमेन्स रेडी, वो सदैव तैयार रहता है। ऑलवेज सदैव रिमेन्स रेडी, तैयार रहता है टू एक्ट, काम करने के लिए एट द डिक्टेट्स, कहने पर ऑफ हिज कॉन्शियस, अपने अंतकरण के, वो अपने अंतकरण के कहने के अनुसार काम करता है। ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित नहीं होता है और मूड अथवा चलता नहीं है, संचालित नहीं होता है बाय फ्लैटर, चापलूसों के द्वारा, यानी कोई भी चापलूस मूड नहीं बना सकता। एंड ऑपरेसर अत्याचारी के द्वारा, ऑपरेसर भी अत्याचारी यानी कि चापलूसों और अत्याचारियों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। नो फ्लैटर, कोई चापलूस नहीं कैन मेक हिम ए फूल, उसे कोई चापलूस मूर्ख नहीं बना सकता है अपनी चापलूसी का प्रयोग करके। एंड नो ऑपरेशन और कोई भी अत्याचारी कैन हार्म हिम डायरेक्टली, उसे महान रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता है। डियर स्टूडेंट, जब हम गलत काम ही नहीं करेंगे किसी की चापलूसी में आकर, तो हमारा दुश्मन भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें हम कमेंट्स देखें तो हम लिख सकते हैं टिप्पणी में कि इसमें हमें जो है वो फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है, कौन सा मेटाफर, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ये टी एच ई जे ज्यादा छपिया है, इसको जे तो नहीं लिखना, डी है। डी पोइट हैज एक्टली, एक्टली माने उपयुक्त रूप से, एक्टली यूज प्रयोग किया है, कवि ने उपयुक्त रूप से प्रयोग किया है मेटाफर, रूपक अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच को, भाषा अलंकार को इन दिस स्टैंडा, इस स्टैंडा में पास कर दो। इस पॉइंट का लास्ट स्टैंडा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडा है, उसको ध्यान से देखते हैं। दिस मैन डॉट 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 आल, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे दिस मैन डॉट 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 आल। ये लिखने के बाद फिर वही बात, रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस लिखने का आप तरीका पास सीख चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट दूसरी तरीके का, इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो ही विचार रहा है। अब उसके बाद चाहे तो हम ये थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि हियर द पोएट डिफाइंस सम ऑफ द क्वालिटी, यहाँ कवि परिभाषित करता है गुणों में से कुछ गुणों को, विच आर नेसेसरी, जो आवश्यक होते हैं फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, टू वांट, जो चाहता है, टू लीड ए हैप्पी लाइफ, व्यतीत करना एक सुखद जीवन। पिछले वाले विचार को कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, जो अभी आपने पीछे कॉन्टेक्स्ट लिखा वो भी यूज कर सकते हैं, और या फिर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है वही बात, उसको भी आप एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं। इसका हेडिंग देखिए ध्यान से, डी एक्स पी एल एन ए टी आई, इसमें देखिए दी पोएट सेज दैट, कवि कहता है, देखिए इसको हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, दी पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति इस फ्री, आजाद है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेल्फिश वांट, सभी प्रकार के गुलामी के, दास्ता के बंधनों से, हैप्पी मैन सभी प्रकार के दास्ता गुलामी के बंधनों से मुक्त है। ही इस फ्री, वो आजाद है फ्रॉम होप, फॉल्स होप, यहाँ होप की जगह आप फॉल्स होप कर लीजिएगा, गलत आशा से, वो गलत आशा से मुक्त होता है टू राइज, आगे बढ़ने की, वो आगे बढ़ने की गलत आशा नहीं करता है, यानी कि वो ये गलत आशा किसे कहते हैं, हम मेहनत तो करें ही नहीं और फिर आशा करें हम फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, इसको हम गलत आशा कहते हैं। ऐसी गलत आशा हैप्पी मैन कभी नहीं करता है। एंड फियर टू फॉल, और उसे जो है वो डर भी नहीं होता है टू फॉल करने का, इन बंधनों से वो आजाद है, गलत आशा के बंधनों से और भय से, इन चीजों से वो आजाद रहता है। तो यद्यपि ही हैज नो वर्ल्डली पोजेशन, उसके पास नहीं है कोई भी संसारिक चीजें, वस्तुएं, जमीनें, जायदादें, सोना चांदी ये सब नहीं, लेकिन उसके पास उनसे बढ़कर है गुण, वो गुण जो उसे सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत बड़ा धन। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का जमींदार है, यानी कि अपने गुणों का वो मालिक है, जमींदार है, वो गुण जो उसका जीवन सुखमय बनाए हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो मनी, कोई धन ना रखने के बावजूद, उसके पास कोई भी धन नहीं है, उसको ना रखने के बावजूद ही पजेसेस, वो रखता है एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, चीफ प्रत्येक वस्तु, बिकॉज क्योंकि ही हैज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, वो रखता है महानतम धन, सबसे बड़ा धन, और सबसे बड़ा धन कौन सा है, संतोष, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन की दौलत उसके पास मौजूद है। सारे स्टैंड हो गए, पास कर दो जल्दी से। फ्रेंड्स, पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जरूर आता है, इसके अंक 6 है, एक्सप्रेशन 8 का है और सेंट्रल आइडिया 6 अंक का, ये सेंट्रल आइडिया का सवाल होगा। इस पोइम में क्या केंद्रित विचार है उसको डिस्कस करेंगे, उसका हेडिंग डालेंगे
ऊपर हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल आइडिया, फिर पोइम का नाम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिख देंगे, फिर उसके बाद इस तरह सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। देखिए बहुत अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों में ये सेंट्रल आइडिया केंद्रित विचार आपकी पोइम कविता का करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सुखमय जीवन का चरित्र। ये पोइम का नाम मोटे पेन से लिखेंगे। इस दैट ये है कि दी मैन व्यक्ति हु एडॉप्ट जो ग्रहण करता है एक रास्ता ऑफ लाइफ जीवन का, जो जीवन का एक रास्ता एक तरीका इख्तियार करता है। मार्ग चिन्हित किया गया बाय ट्रू फ्रीडम द्वारा सच्ची आजादी के, यानी कि उसका रास्ता सच्ची आजादी के द्वारा चिन्हित हुआ हो। ऑफ थॉट का कि विचार की एक्शन कर्म की राइटियसनेस धर्मनिष्ठा की, धर्मनिष्ठा यानी कि ईमान, ईमान ऑनेस्टी ईमानदारी सिंप्लिसिटी सादगी फेथ विश्वास एंड केयर फ्रीनेस और चित्तामुक्त होना यानी कि बेफिक्री, यानी कि जो आदमी सच्ची स्वतंत्रता विचारों की कर्म की धर्मनिष्ठा की ईमानदारी की सादगी की विश्वास की और बेफिक्री की इन सब चीजों के द्वारा जिसके जीवन का रास्ता चिन्हित हो, यानी कि जो इन चीजों को ग्रहण करता हो वही व्यक्ति जो है वो सच्चा सुखमय व्यक्ति कहलाता है, वही सच्चा जीवन सुखमय व्यतीत करता है और इस कार्ड ये कहलाता है ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति, वो व्यक्ति जो इन चीजों को ग्रहण कर लेता है अपने जीवन में, इन चीजों को अपने जीवन में उतार लेता है, वही कहलाता है एक सच्चा सुखमय व्यक्ति। सच्ची मैन ऐसा व्यक्ति इज फुल्ली सेटिस्फाइड होता है पूर्ण रूप से संतुष्ट विद हिज लॉर्ड अपने भाग्य से अपने नसीब से, यानी कि उसे जो कुछ भी नसीब दे दिया गया है वो सबसे वो खुश होता है संतुष्ट होता है। एंड दो और यद्यपि ही हैज नथिंग, वो कुछ भी नहीं रखता है इन हिज पोजीशन अपने पास, ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने अपने स्वयं का मालिक है। यही स्टॉक